नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुच्छी प्रथमे हेडलाइंस दिनक परे स्वाधीनता दिवस देशवासी को संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री अभिभाषण पर नागरिकों ठू मागिले परामर्श आज दिन 11:45 सुधा देपारे मतामत आपणों मत भी होपे मोदी अभिभाषण अंश देश पालुछि अखंड भारत दिवस आज दिन में भारत को विभाजन मुस्लिम लीग्र दावी को तत्कालीन कांग्रेस देखा समर्थन भारत मातार शरीर को काटी तैयारी होता पाकिस्तान आज प्रकाश पाइब युक्त दुई कला और धंदामूलक परीक्षा फल अपेक्षा दुई लक्ष रु अधिक छात्र छात्री दशम श्रेणी में रखिता मार्क युक्त दुई विषय सह मैपिंग आधार में रिजल्ट श्रद्धालुओं दुई दिन बंद श्रीमंदिर सानिटाइज आज आसंता दर्शन उपर कटक 16 रु 20 जाए पूरीवासी को जगह दर्शन सुजोग लोकों द्वारा निर्वाचित हेबे पौर और महानगर निगम अध्यक्ष गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग पक्ष विज्ञप्ति प्रकाश पूर्व अध्यक्षों निर्वाचित करुथिले काउंसिलर अभियुक्त सुरक्षा रे भद्रक पुलिस आत्महत्या करितिबा युवती को न्याय पाई गुहारी कले मां पूरा घटना पाई भद्रक पुलिस को दायी कले मृतकों परिवार अभियोग पर भी आक्शन दिया जाउनथिबा अभियोग एवं आदिवासी अंचल रे सरकारी स्कूल रो असल चित्र प्राथमिक विद्यालय रे पिलांक ठारु आदाय हेउछि टंका नामलेखा आवास पत्र किणा पाई टंका मागुछंती प्रधान शिक्षक सेपटे सब जाणी मुह खोलुना जिला शिक्षा अधिकारी आसवा संपूर्ण खबर को दिनक देश पाल 75तम स्वाधीनता दिवस यह अवसर में लालकिलू अभिभाषण रखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वाधीनता दिवस भाषण पर सीधासलख नागरिकों ठू धारणा और परामर्श आमंत्रण देशर प्रत्येक नागरिक निजर विचार रखिपारे जहां प्रधानमंत्री स्वाधीनता दिवस अभिभाषण एक अंश होपे प्रधानमंत्री स्वाधीनता दिवस भाषण पर नागरिकों ठू न्यू इंडिया से परामर्श लोड़ी जो मैंने कौन से परामर्श व विचार देवाक चाहते से आज पूर्वाह 11:45 सुधा देपारे कह उन्नीस 1947 मसीह आज तारीख भारत विभाजन कर इंग्रेज मान प्रोत्साहन मुस्लिम लीग्र दाबी को तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व प्रथम मना करने सत्वे परवर्त समय मानि नहीं भारत मातार शरीर को काटे पाकिस्तान या मसीहारे आजीर तारीख रे भारतर विभाजन कर दिया जाइथिला इंग्रज मानकर प्रोत्साहन रे मुस्लिम लीग्र दाबी को तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व प्रथमे मना करिबा सत्वे परवर्ती समय रे मानि नैथिले भारत मातार शरीर को काटी पाकिस्तान तयारी करा जाइथिला मातृभूमिर विभाजनर एही दुख आज मध्य रही विष्णु पुराण रे उल्लेख रही उत्तरं यत समुद्रस्य हिमेन्द्रश्चैव दक्षिणं वर्ष तद् भारतं नाम भारती तत्र संतति अर्थात समुद्रर उत्तर रे ओ सागर मध्यरे जेउ भूभाग रहिछि ताहा हेउछि भारत ओ एहार संतान मानंकु भारती बोली कहा जायथाय विष्णु पुराणर पुराणकार जदि एही भूभाग को केवल भौगोलिक यूनिट बोली मने करिथांती तेबे कहिथांते हिमालय ओ समुद्र मध्यरे थिबा क्षेत्रर लोकमानंकु भारती बा भारतीय कहा जाय किंतु पुराणकार एपरि कहिनांती सेमाने कहिछंती जे एही क्षेत्रर संतान मानंकु भारती बा भारतीय कहा जाय थाए जदि एही भूभागरे रहुथिबा निवासी मानंकु
निवासी न कहाजाई संतान कहाजाउछि। तेबे पुराणकार एही भूमि को निर्जीव भूमि बोली न कहि जीवंत बोली मने करंती। तेणु एही भूमि आ निर्जीव भूमि भारत न होई भारत माता रे परिवर्तित होई जाए। एही सांस्कृतिक भारतर हजार हजार वर्षर इतिहास रहिछि। एही भारत उपरे अलेक्जेंडर सक हुन कुसान परी अनेक बाह्य आक्रमण होइछि। मात्र परवर्ती समय रे समस्ते भारतीय संस्कृति रे मिसी जाइछंती। सेमानकर चिन्ह वर्ण मध्य देखिबा को मिलि नाही। परवर्ती समय रे बाह्य इस्लामी आक्रमण रे भारतर वीरपुत्र माने उपयुक्त जवाब देथिले। एहा परे इंग्रज मानकर शासन आसिला। मुसलमान मानकर नाम रे भारत मातर विभाजन पई दाबी हेला। प्रथमे एही दाबी को समस्ते अग्राह्य कले। महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका रे एही दाबी संपर्क रे लिखिले, दुई राष्ट्रर सिद्धांत मूर्खतापूर्ण अटे, जहाकु भगवान गोटे करिछंती मनुष्यताकु किपरि भांगी पारिबो। प्रथमे एहाकु संपूर्ण रूपे अस्वीकार करुथबा बेले अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी जून 15 तारीख दिन भारत विभाजनर योजना को अनुमोदन देथिले। एहा फळरे 14 ओ 15 अगस्त मध्यरात्रि रे भारत मातार विभाजन करि दिया गला। भारत मातार शरीर को खंड विखंडित करि दिया गला। सेही काल रात्रि रे जहा हैला ताहा देश प्रति चरम विश्वास घातकता थिला। भारत को स्वाधीन करबा को प्राण बळि देथिबा शहीद मानकर स्वप्न माटी रे मिसि जाइथिला। केते जे ऋषि मुनि कवि द्रष्टा वैदिक कालरु आज पर्यंत राष्ट्रर मानसरे दिव्य भारत मातार सेही अखंड ओ अविभक्त रूपकु प्रतिस्थापित करि आसथिले। तांकर दृष्टि रे भारत कोनोसी माटीर निर्जीव वस्तु नथिला। भारत थिला तांको पई मातृभूमि, पुण्यभूमि, देवभूमि, कर्मभूमि ओ एहार एक उद्दात रूप, एक विराट भारत माता। बंकिम चंद्रंक दृष्टि रे एहार तीनोटी स्वरूप थिला, मां सरस्वती, लक्ष्मी ओ मां दुर्गांकर। रवींद्रनाथ टागोरंक कल्पना रे से थिले देवी भुवन मनमोहिनी। स्वामी विवेकानंदंक दृष्टि रे से 33 कोटी देवी देवतांक मां थिले। किंतु 14 ओ 15 अगस्त 1947 रो एही काल रात्रि रे भारत मातार विभाजन होइथिला। भारत बर्षर कोटी कोटी निष्ठावान लोक हठात धर्मांध हिंदू विरोधी राज्यर आधिपत्यरे चलीगले। सिंधु नदी तार संतान मानक पई पर होइगला। जेउठारे मुनि ऋषि माने बसी वेद रचना करिथिले सेही स्थान तांकर शत्रु मानंकु देई दिया गला। विभाजन परे जेउ नर संघार हला सेथिरे लक्ष लक्ष निर्दोष लोक प्राण हराइले। मंदिर तीर्थ स्थान आदि अपवित्र करि दिया गला। आजि मध्य सेही भूभागरे हिंदू मानक प्रति अत्याचार और निर्यातना जारी रहिछि। तेणु आजि पूर्ण थरे संकल्प ग्रहण करिवार बेळ। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। आजि प्रकाश पाइप युक्त दुई कला और धंतामूलक परीक्षा फल एने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर सूचना मिली। www.orissaresult.nic.in रे रिजल्ट उपलब्ध हेबो। कोरोना पई चलित वर्ष परीक्षा बातिल होइतला। एतरो बिना परीक्षा रे बाहरि पर रिजल्ट। मैट्रिक परे एबे प्लस टू परीक्षा रे आसेबो संस्कार। वर्षक दुईटी बोर्ड परीक्षा सह हेबो इंटरनल असेसमेंट। स्वच्छता लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद एहाकु मॉनिटर करिब। प्रथम वर्ष परीक्षार रेकर्ड भी रहिब। प्रति परीक्षा परे परिषदर पोर्टाल रे मार्क को अपलोड करा जिव। कॉलेज पिलांकर परीक्षा प्रदर्शन डाटा को रेकर्ड करि रखा जिव। चलित वर्ष कोरोना पई युक्त दुई मूल्यायन सबुठारु बेसी प्रभावित हेबा परे गणशिक्षा विभाग पक्षरु एने आरंभ होइछि कसरत। खूब शीघ्र यार रूपरेख प्रस्तुत करी विज्ञप्ति प्रकाश करबा को जाउची उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद। उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय भी ए दिगरे कार्य आरंभ करिछि। भविष्यत रे महामारी जको परीक्षा बातिल हेले भी कॉलेज एवं परिषद पाखरे पिलांक प्रदर्शन रो तथ्य रहिबो आ सीबीएसई भली पिलांकु असेस करबा भी सहज हेबो।
सेप्टेम्बर 6 आरंभ हेबो ओजेई परीक्षा। सेप्टेम्बर 18 तारीख जाए चलिपा को परीक्षा प्रतिदिन तीनोटी सिफ्ट हेबो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट माध्यम रे हेबो परीक्षा। परीक्षा नहीं ओजेई पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाई। सकाळ 9टारु 11टा पर्यंत प्रथम सिफ्ट, 12:30 रु 2:30 पर्यंत द्वितीय सिफ्ट, तृतीय सिफ्ट 4टारु 6टा पर्यंत हेबो बोली कहा जायछि। ओजेई रो ऑफिशियल वेबसाइट www.ojei.nic.in एवं www.odishaje.com रे परीक्षा सिफ्ट रो संपूर्ण कार्यसूची दिया जायछि। एडमिट कार्ड इत्यादि एवं डाउनलोड पाई मध्य स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रणाली बा एसओपी विषय रे सूचना परे दिया जिवो बोली कहा जायछि। ए वर्ष रो ओडिसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बा ओजेई 2021 पे शेड्यूल आज बाहर छि। ए परीक्षा सेप्टेम्बर मास 6 तारीख आरंभ हुई 8 तारीख पर्यटन चलो। अवश्य गणेश पूजा और नीट परीक्षा दृष्टि मझे किद परीक्षा बाद दी गत वर्ष भर्ष मध्य परीक्षा कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बा सीबीटी माध्यम करा प्रतिदिन तीनोटी सिफ्ट रे परीक्षा हम कौ दिन कौ सिफ्ट कौ कोर्स एग्जामिनेशन करा गोटे कम्प्लीट शेड्यूल आम जे वेबसाइट डिस्प्ले कर। अनुगुल जिला छेंटीपदा ब्लॉक रे चलित वर्ष स्वल्प वृष्टिपात चाष कार्य संपूर्ण बाधाप्राप्त होती चाषी को बीजेपी जिला कृषक संगठन पक्षर मरुड़ी घोषणा पर तहसीलदारों जरिया एक दावीपत्र प्रदान करा। राज्य सरकार चाषी को तुरंत साहय प्रदान नक आगामी दिन में बीजेपी दृढ़ प्रतिवाद कर चेतावनी। चलित वर्ष राज्य रे स्वल्प वर्षा एवं चाषी को मेरुदंड भागी फल चाष कम अधारे पड़ रही बेले एवं चाषी संपूर्ण भाव में चाष कर पारे फल आम अच्छे अनुगुल जिलार छेंडीपदार एवं छेंडीपदा तहसील सम्मुखर अच्छु। बीजेपी पक्ष मरुड़ी घोषणा पर दावीपत्र दिया आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया नबू और बीजेपी कर्मी मान प्रतिक्रिया नबू। आज्ञा कौन कहे आज जो दावीपत्र कौन पर आज भारतीय जनता पार्टी अनुगुल जिला बीजेपी कृषक मोर्चा तरफ छेंडीपदा अंचल को संपूर्ण मरुड़ी घोषणा दाबी रे ए दाबीपत्र जिलापाल उद्देश्य रे तहसीलदार माध्यम रे वर्षा न होबा कारण आज चाषी हताश हो पड़ी। आगामी दिन में वर्षा हेले 90% जमी पड़िया पड़ी रहिबो कौन कह आजा एटी संपूर्ण भाव जलसेचन व्यवस्था कह जा जल संपूर्ण भाव ना एवं जो कि अच्छी संपूर्ण भाव में अकामी तो सत कथा आपड़ गोटे आपूज जरिया गोटे बाहरी जो लिफ्ट इरीगेशन कथा बाहरी ये संपूर्ण फेल 95 लिफ्ट इरीगेशन सरकार ये बोली सरकारी सूत्र कौन गोटे भी कार्यकारी होदी होता बोले आज हाहाकार ही नाता बर्तमान स्वल्प वृष्टिपात कारण अनुगुल जिले में संपूर्ण मरुड़ी हाँ बस मैंने गजा मरुड़ी किसी कहीं चाष करना तेणुक आमर हूँ भारतीय जनता पार्टी बर्तमान डिमांड जे ये स्वल्प वृष्टिपात होती मरुड़ी डिक्लेयर कराऊ जहाँ इन्सुरांस को पैसा पत्र आर्थिक सहायता दिंतु एवं आगामी दिन में जो रबि फसल तो वर्षा होगा भाई लगुन आज चाष हेले किसी फलबार भी सूचना मिलूना तेणुक चाषी ये चाष कर कौ मात्र चाष होती को उचित मूल्य मिलवा दरकार अंपक् कह चाषी मरुड़ी हेले के मात्र क्षति से आशा कर देखो ये चंडीपदा ब्लक संपूर्ण चाषी उपर निर्भर चाष उपरे ब्लॉक निर्भर तेणु ये स्वल्प वृष्टि कारण आज चाषी हाहाकार कौन सी बिल रे पानी ना कौन सी इरीगेशन किसी सुविधा ना तेणु आगामी दिन में समस्त चाषी हताश हो जाती तेणु आम तहसीलदार जिलापाल आम दाबी जनाऊु चंदपदा को संपूर्ण रूपे मरुड़ी घोषणा करा जाए। गोटे कथा कह गए ये सरकार को आप दाबीपत्र देते सरकार जदि मरुड़ी घोषणा न करती आगामी दिन में कौन पदक्षेप रही है निश्चिंत भाव सरकार दाबी घोषणा आमर दाबी को घोषणा करिया को बाध्य हेबे कहीं यहाँ भारतीय जनता पार्टी दाबी नुह ये सारा ओडिशार दाबी आउ एठी ओडिशा सरकार जो 20-22 वर्ष ना रहिले नी कृषक मानक पाई कौन काम करछन ये हो तार लग्न चित्र जो कि जड़े हेले कृषक आज जला जला भाव जलर उन्नति होना जो आज स्वल्प वृष्टिपात लोक मैंने हाहाकार होती संपूर्ण मरुड़ी होगा जाऊँगी 100%
ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାର ନ ଦିଅନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ତାର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି କି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ କଥା କୁହାଯାଉ ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ କଥା କୁହାଯାଉ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କଲେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭୋଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ପୌର ଓ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏନେଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କାଉନ୍ସିଲରମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଥିଲେ। ପୌରପାଳିକା ନିୟମ 1994 ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି, ମାସେ ଭିତରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିହେବ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ମେୟରଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ ଲୋକେ, ଏଣିକି ସିଧା ଭୋଟ ଦେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ମେୟରଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ ଲୋକେ। ସଙ୍କଟରେ ରାଜ୍ୟର 60 ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ୟୁନିଟ୍ ଓ ସେଥିରେ କାମ କରୁଥିବା 5000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ଟେଣ୍ଡରରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ମିଳୁନି ସୁଯୋଗ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଟାଟା ପାୱାରର ଏକପାଖିଆ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଟେଣ୍ଡର ପାଉନାହାନ୍ତି ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ। ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ BIS, BEE ଓ ISO ଭଳି ମାନ୍ୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡର ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ଟାଟା ପାୱାର ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସାତ୍ୱିକ ସ୍ୱାଇଁ। ସେହିପରି ଟାଟା ପାୱାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ନୀତିକୁ ପାଳନ କରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଶାରଦା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ବିପୁଳ ରାଜସ୍ୱ ହରାଇବ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଜ୍ଜନ କୁମାର ଶର୍ମା, ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ସୁଦୀପ୍ତ ରାୟ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟସଭା ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଓ ବନ୍ଧୁଜନଙ୍କୁ ସମବେଦନା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ କଫିର ବାସ୍ନାରେ ମହକିତ ହୋଇଛି ବଜାର। ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଧିକ କଫି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଚାଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିଗତ 5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଷ ହୋଇଆସୁଥିବା କୋରାପୁଟ କଫି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା। କଫି ବଗିଚାର ଶୋଭା ଭିତରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି କୋରାପୁଟ। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଓ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ବିଶାଳ ବକ୍ଷରେ ମାଡ଼ିଥିବା ଗୋଲମରିଚର ସବୁଜିମା ଆଉ ତାରି ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ଛାଇରେ ବଢ଼ୁଥିବା କଫି ମନଲୋଭା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଫି ଗଛରେ ଫଳିଛି ନେନ୍ଥା ନେନ୍ଥା ସବୁଜ କଫି ଫଳ। ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସବୁଜ ଫଳର ସମ୍ଭାର ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଭରିଛି ଜୀବିକାର ଆଶା। ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ପ୍ରତିଟି ଗଛକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କଫି ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ବେଳକୁ ଫଳ ପକ୍ ହୁଏ। ଫୁଲଟୁ ଫଳ ପାକଳ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 9 ମାସ ସମୟ ଲାଗେ। ବିଗତ 5 ଦଶନ୍ଧି ହେଲା କୋରାପୁଟରେ କଫି ଚାଷ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହାର ବିପଣନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲିମିଟେଡ୍ TDCCOL ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ। ଏଠାରେ ଏକ କଫି ବୋର୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ଗଢ଼ାଯାଇଛି କଫି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅତୁଳନୀୟ ମହକ ଆଉ ଗୁଣରେ ଭରା ଆରବିକ୍ ପ୍ରଜାତିର କଫି ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାରୁ ବଜାରରେ କୋରାପୁଟର କଫିର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି କଫି ବୋର୍ଡର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶାହା। ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ କଫି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏବେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଡୁଇଂ କଫି ସିନ୍ସ ଲଙ୍ଗ ମୋର ଦେନ୍ 30-40 ଇୟର୍ସ ଇଭେନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗ୍ରୋଅର୍ସ ଆର୍ ଦେର୍ ହୁ ଆର୍ ମୋର ଦେନ୍ 50 ଇୟର୍ସ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ।
ହେଇ କ'ଣ ଥିଲା କି ୱି ଡିଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ରିକଗ୍ନିସନ୍। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ୱି ୱର୍ ସେଲିଂ ଅୱର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଟୁ ଆଉଟସାଇଡ଼। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ୱିଥ୍ ଦି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଫ୍ TDCC, ଇଭେନ୍ ସମ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗ୍ରୋୱର୍ସ ଅଲ୍ସୋ କେମ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼, କଫି ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲ୍ସୋ କେମ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼। କୋରାପୁଟ କଫିର ମହକକୁ ଖାଉଟିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ କଫି ନାଁରେ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରାଯାଉଛି। କୋରାପୁଟଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କଫି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଫି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି 8 ଆଉଟଲେଟ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଏକ କ୍ୟୁରିଂ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆଗରୁ କୋରାପୁଟର କଫି ଚାଷୀମାନେ 200 ମୂଲ୍ୟରେ କଞ୍ଚା ମଞ୍ଜି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ TDCCOL ପକ୍ଷରୁ 193 ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 29 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କଫି ବିନ୍ 230 ଦରରେ କିଣାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଉଚ୍ଚ ଗୁଣମାନର ଜାଣିବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 700 ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 100 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କଫି କିଣାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିପଣନ ଅଧିକାରୀ ଆଶୁତୋଷ ନନ୍ଦ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟାଟା ଭଳି ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ୱାଦକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ କଫିଟା ସେ ଆନାଲିସିସ୍ ସେମାନେ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କରିବା ପରେ ଏଇଥିରେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି କଫି ଯେଉଁ ମାନେ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ କଫିର ଗୁଣ ସେ ବହୁତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ କି ଆମେ 100 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କଫି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଆରାଉଣ୍ଡ 600-700 ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିବୁ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ଏବେ କୋରାପୁଟର କଫି। ନିଜର ଶୁଦ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଏବେ ଶହଶହ ଚାଷୀଙ୍କୁ କଫି ଚାଷ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଏହି କଫି। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୋଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।